नमस्कार प्रणाम, हमार चैनल भोजपुरिया जहान में आप सबके स्वागत बा। आज रउआ सब खाती हम खेसारी लाल यादव के एक ऐसा इंटरव्यू लेके आयल बानी जेकरा देखे से रउआ सबके बहुत सारा सीख मिली। और खेसारी लाल यादव इंटरव्यू में काफी खुशमिजाज दिख रहा बाड़े और काफी अच्छा अच्छा बात बतौले बाड़े, तो हमारा लागल की इंटरव्यू रउआ सबके जरूर दिखावे के चाहिए। तो आई हम इंटरव्यू रउआ सबके दिखाओ तनी। वीडियो कैसा लागल कमेंट बॉक्स में लिखल ना भूली, तो आई वीडियो देखी। काजल रघवानी जी का योगदान है क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है और सैयां अरब के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत किया, शुभी शर्मा जी ने बहुत मेहनत किया है। तो दिल से प्रणाम है सारे कलाकारों को, निशांत उज्जवल जी को जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया रिलीज़ करके, अभय भैया, प्रिमांशु जी, तो सबको दिल से थैंक यू। और लिट्टी सिनेमा 6 महीने पहले बनी थी और ये किसानों के ऊपर ही बनी है कि किसानों के दर्द क्या होते हैं, किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, उनको मुआवजा टाइम से नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मैसेज हमने इसमें डाला है। और एक किसान का बेटा अपने आप को कैसे ऊपर लेकर जा सकता है, जैसे खेसारी लाल यादव लिट्टी बेच कर आया, इसीलिए हमारा लिट्टी चोखा कहीं ना कहीं सार्थक होना चाहिए। और हम सिनेमा बनाते हैं, अगर उससे 10 लोग सीख ना ले तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिनेमा समाज का आईना होता है। तो कहीं ना कहीं मैं इस सिनेमा को बना के बड़ा खुश रहा, इसमें काम करके बड़ी उपलब्धि मिली मुझे। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदीप भैया को और पदम भैया को, जिन्होंने बांदा जैसे शहर में, वहाँ कोई भाषा हमारा नहीं चलता है, लेकिन मैं गया तो लगा जी बाप रे खेसारी तो यहाँ का बहुत बड़ा आदमी है, इतनी मोहब्बत और इतनी भीड़ आकर भी, और हमें शिद्दत से हमें अपना काम करने दिया। तो बांदा के धरती को भी ढेर सारा प्यार कि उन्होंने इतनी मोहब्बत से एक सिनेमा बनवाई। पराग पाटिल जी ने एकदम कूल होकर काम किया इसमें। उसके बाद हमारी आसकी है जो प्रयागराज में चल रही है, 2-3 दिन और शूट है हमारा, और पीपीके देख लीजिए, पीपीके मैंने पीपी का सिनेमा। किसानों को लेकर के आप बड़े चिंतित हैं और किसानों को लेकर बहुत सी बातें की, तो क्या कहेंगे किसानों वाले? देखिए एक बात बताऊं आपसे, अगर दुनिया में कोई खेसारी लाल पर्दे का हीरो जरूर हो सकता है सर, शायद खेसारी को घमंड हो जाए या अहंकार हो जाए वो अलग मैटर है, लेकिन आज खेसारी अगर इस जगह पे खड़ा है, आप इस जगह पे खड़ा है, कोई नेता कोई अभिनेता दुनिया का हर आदमी अगर खड़ा होकर बात करने की क्षमता भी रखता है, तो बदौलत सिर्फ किसान की बदौलत होता है सर। हम किसी को एक दिन खाना दे सकते हैं लेकिन वो भी किसान का ही देते हैं, किसान का ही उपजाया हुआ अन्न हम किसी को भंडारा में खिला दें। आज सर भगवान को भी अगर प्रसाद चढ़ता है तो सर किसान के बनाए हुए ही चढ़ता है सर, पैसा चढ़ाकर आप उसको भोग नहीं लगा सकते। तो जब भगवान हमारा पैसे का भोग नहीं लगा सकता तो सर इंसान कैसे लगा सकता है? तो आज भगवान के भी भोग लगते हैं तो वो किसानों के बदौलत लगते हैं सर, और ये हमारे सरकार को समझना पड़ेगा। उम्मीद बा की वीडियो रउआ सबके बहुत पसंद आई हुई, तो रउआ सबसे एक ही आग्रह बा की जाते जाते वीडियो के लाइक करल ना भूली और सब्सक्राइब के बटन दबा दी, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल कोई भी खबर कोई भी जानकारी रउआ सबसे पहले देख सकी और सही समय पे देख सकी। तो कल फिर मिलब जाए एगो नया वीडियो के साथ। वीडियो पूरा देखे खातिर सभी लोगन के दिल से धन्यवाद।